वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने यूरोप में हाहाकार मचा दिया है। यहाँ इटली के बाद स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल हो गए हैं जहाँ कोरोना वायरस से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। तबाही का आलम यह है कि यूरोप के ज्यादातर देशों में अभी भी लोगों की बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। इटली में जहां 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो वहीं स्पेन में 23,000 और फ्रांस में 22,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यूरोप के एक और बड़े देश ब्रिटेन में भी 20,300 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूरोप के इन चार देशों में ही 90,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7,00,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती है। इसी बीच कोरोना को हराकर घर लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सोमवार से काम पर लौट रही हैं, जबकि यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी चल रही है। फ्रांस की सरकार जहां लॉकडाउन में ढील देने की योजना पेश करने वाली है, तो वहीं स्पेन में लॉकडाउन में ढील भी दी जा चुकी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस से यूरोप में न सिर्फ लोगों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है, बल्कि लॉकडाउन की वजह से यहां हर रोज अरबों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है, साथ ही हर दिन लाखों लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं।